हेलो भाइयों, कैसे हो यार। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो यार आज हम बात करेंगे अपने बालों के हेयर केयर रूटीन के बारे में कि मतलब हम अपने बालों को हेल्दी और बेस्ट किस तरह से बना सकते हैं। तो आजकल का हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और अपने बालों का ध्यान नहीं रख पाते। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊँगा जिसकी मदद से आप अपने बालों की हेयर केयर रूटीन को बेस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है अपने बालों की ऑयलिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बालों में जब हम ऑयलिंग करते हैं, दो हफ्ते में आपको दो से तीन बार बालों में ऑयलिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके बालों में मॉइस्चराइजर ज़्यादा रहता है और मॉइस्चराइजर की वजह से आपके बालों में नरिशमेंट बना रहता है। इसके बाद आपको कुछ लोग ज़्यादातर शैम्पू का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको शैम्पू का यूज़ भी हफ्ते में दो बार ही करना चाहिए, ज़्यादा शैम्पू का यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड शैम्पू आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का कोई मैटर नहीं करता। आपको जो है शैम्पू ऐसा लेना है, बीच बीच में आपको अपने शैम्पू को चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू एक ही शैम्पू को यूज करने से हेयर फॉल की समस्या बढ़ भी सकती है। तो इसलिए बीच बीच में जो है अपने शैम्पू को चेंज करते रहे, इससे आपके हेयर की क्वालिटी बेस्ट होती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया खुद से, मैं काफ़ी टाइम से अलग अलग तरह के शैम्पू यूज करता हूँ। इसके अलावा जब आप सर धो लेते हैं तो उसके बाद हमारे बाल जो है थोड़े ड्राई से हो जाते हैं सर धोने के बाद, तो उसके बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो हमारे बालों में नरिशमेंट बनाए रखे और इन्हें थोड़ा बेस्ट, इनकी क्वालिटी को बेस्ट करे। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ अमीवे हर्बल का हेयर टोन हैंडमेड स्कैल्प स्प्रे। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट है और ये आपके बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। ये आपके बालों का हेयर फॉल कम करता है। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं और आप इसको यूज करते हैं बाल धोने के बाद, तो इससे आपका हेयर फॉल कम होगा और यह आपके बालों को रीग्रोथ करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और इसके अलावा ये DTH ब्लॉकर है, जिसकी वजह से हमारे गंजेपन को रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आपके बाल इस तरह से यहाँ से जा रहे हैं धीरे धीरे और आप इस सीरम का यूज करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको हेयर फॉल रोकने में। तो मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ आपको। ये इसकी बोतल है, आप देख सकते हैं अमीवे हर्बल की। इसको यूज करना बहुत ज़्यादा आसान है। ये इस तरह से आपको ये खोलता है और यहाँ पे जो है आपको स्प्रे मिल जाता है। आप इस तरह से चाहे तो हाथों पे स्प्रे कर सकते हैं, तीन से चार स्प्रे करने हैं और इस तरह से करना है और आपको अपने बालों पे इस तरह से लगा लेना है। तो इसके बाद जो है आपके बालों में एक अलग ही शाइनिंग आती है और नरिशमेंट बना रहता है और आपके बाल ऑटोमेटिक सेट भी हो जाते हैं। और अगर आप कंघे से करते हैं सारी चीज़ें तो और ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अगर अमीवे हर्बल की सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पूरे प्रोडक्ट की जानकारी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने बालों में कभी भी ज़्यादा गरम हेयर ड्रायर का यूज ना करें। मैं भी पहले गरम हेयर ड्रायर का यूज करता था, तो उससे जो है हमारे बालों में प्रॉब्लम होती है, हमारे बाल डैमेज होते हैं। अगर आपको जल्दबाजी में कहीं जाना भी है तो आप कभी महीने में एक से दो बार हेयर ड्रायर का यूज कर सकते हैं, वरना ज्यादा से ज्यादा ना करें। तो ये कुछ छोटे मोटे हेयर टिप्स थे जिसकी वजह से आप अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।